सर लेंस होना चाहिए था। मैं आप लोगों को क्या बताऊं एक्साइटमेंट, मैं सुबह सुबह एक्साइटमेंट में मैं पहाड़ों की तरफ जा रहा हूं, बर्फ देखने फिर से जा रहा हूं। दो दिन पहले आया हूं मैं, लेकिन आज फिर आ गया हूं। एक्साइटमेंट में मैं अपने शूज़ ही भूल आया हूं। जो स्नो शूज़ होते हैं वो मैंने ख़रीदे हैं, प्रॉपर मैंने ड्रेस ख़रीदा था, वो मैं घर ही भूल आया हूं। अब इन शूज़ों में मैं घूम फिर रहा हूं। पाऊँ इस वक्त फ्रीज हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम। वाह, चढ़े को हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी हमने क्या करना है, कहाँ का प्लान है, किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन संडे को फिर मैंने अचानक प्लान बनाया, जो मैं हमेशा करता हूँ, पहाड़ों में आ जाता हूँ। सुबह सुबह मैं निकला हूँ, अपने भाई नजीब को मैंने उठाया, मैं लागो दी फुजीन आ गया, जिस जो वीडियो आपने देखी थी जहाँ मैं बड़ा खजल भी हुआ था, बड़ा ख्वार भी हुआ था। और वो लागो दी फुजीन है जो आप लोग अभी देख सकते हैं, जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ है, ये सारी बर्फ के साथ कवर हुई है। ये सारा पानी है, इसके ऊपर आप चल भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे ख़तरा भी है, लेकिन ये है कि ये बर्फ़ से तकरीबन कवर हो चुकी है। ड्रोन शॉट में आप बाकी देख लें। आ जाए गाइज, ये देखें कितनी कितनी बर्फ़ है, कम से कम 2 फुट बर्फ है ना, 2 से 3 फुट। क्या कमाल का व्यू है यार। इस वक्त सिर्फ मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे, कोई नहीं है, मेरा भाई आगे चला गया नजीब, और कोई बंदा यहाँ पे नहीं है। क्या फीलिंग्स है, वाह। हाय, खुश हो जाती है रूह जब आओ ना आप पहाड़ों में। बर्फों का पहाड़ों का आपस में जो रिलेशन है, ऐसे ही मेरा रिलेशन है, क्योंकि बर्फ़ें तो ज़्यादा पहाड़ों पे पड़ती हैं। और चाओ और मेरा भी दिल करता है कि मैं इस रिलेशन को ना हमेशा तक रखूं। जब जब आता हूँ पहाड़ों में, इन बर्फ़ों में, पता नहीं कुछ अलग सी फीलिंग्स आती हैं जो शहर में नहीं आती। ये गाइस, यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 फुट बर्फ पड़ी हुई है। ये रोड है गाड़ियों की,
ये ऊपर जाकी रोड जाती है। गाइस यहाँ पे हमारा वीडियो का होता है एंड। यकीन करें कि ये जितना भी हमने एंजॉय किया है वीडियो में, क्या पता आपने एंजॉय किया नहीं किया, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता मैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जब डिस्टर्ब होता है तो वीडियो हमारी लोगों को भी, बाकी लोगों को भी देखने को मिल जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।